मोदी जी पाकिस्तान से यहाँ हिंदुओं को लाएंगे, बाकी जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के मुस्लिम रह रहे हैं ना, इनको सबको उनसे बोलो कि और इन्हें खत्म कर दो खोड़ी गांव में कुल मिला के, दूर की नहीं कह रहे, खोड़ी गांव उनसे बोलो मोदी जी से, और इन्हें हटा दें सबको, बाकी बाहर से ले आए, अच्छी बात है। जब यहाँ की हिंदुओं को या मुसलमानों को पुनर्वास नहीं दे रहे और वहाँ से ला के उनको कह देंगे, वहाँ रोड पर ला के छोड़ देंगे, लो यहाँ इंडिया में मरो। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो सरकार का नारा ही नारा है। अच्छा। काम तो आज तक सरकार ने क्या किया वो दिखा है हमें, काम नहीं कर रही सरकार, क्या कर रहा है सरकार ने बताओ। अच्छे दिन लाएंगे लोगों के हम। अच्छे ही दिन तो आ गए सर हमारे, जो हमारे घर टूटने वाले हैं, अच्छे ही दिन तो है ये हमारे लिए। भाई साहब अगर इन्हें तोड़वा दिया तो हम तो रुकवा सकते नहीं है, भाई साहब मरते मर जाऊंगा, बीजेपी के नाम से नफरत करूंगा, ये बात तो मेरी पक्की बात है मेरा। और बच्चों से भी कह के जाएंगे साढ़े बीजेपी में वोट मत डाल दियो, फूल के नाम पे वोट मत डाल दियो। कितने किसी में है? कितने बच्चे? चार बच्चे हैं भाई साहब मेरे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं, तो लग रहा कोई भविष्य उज्ज्वल है इनका। क्या है जब हमारी जिंदगी नरक है तो बच्चों की तो पहले ही बनी हुई है नरक। आप क्या काम करते हैं? मैं ये ऑटो चलाता हूँ किराए का, कोरोना ने मार दिया, ऊपर से मोदी ने मार दिया, अब तीसरी लहर आ रही है, और ये तीसरी लहर आ रही है, अब जो मोदी ही मार रहे हैं, मोदी या कट्टर वही एक ही बात है, सरकार उन्हीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मकान हटा दिए जाते हैं तो आप कहाँ जाओगे अपने परिवार लेकर के? हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, उसके बाद में वो कहेंगे यहाँ से भागो, हम यहीं रहेंगे, बच्चों को उनसे कहेंगे इन्हें मार दो, उसके बाद हम जाएंगे, बच्चों को क्या सबको ही मार दें। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। अब विजय जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं कि खोरी कॉलोनी में जो मकान है इनको हटाया जाएगा, क्या लग रहा है? अब सरकार की मर्जी है सर, क्या कह सकता हूँ, मैंने तो इस उम्मीद पर वोट दिया था सरकार को कि हमारी बीजेपी की सरकार है, आने वाले टाइम में हम लोगों को वो कहते थे मोदी जी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम तो उस उम्मीद पर वोट दे जा रहे थे कि मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आज मोदी जी ने लिखवा दिया कि ये खोड़ी कॉलोनी हटाई जाए, और उन्हें ये बोला है 10,000 घर, सरकार ने ये देखा है इसमें 10,000 घर है या ज़्यादा ही है, ये तो लगभग बोल दिया, लगभग बोला हुआ है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे सरकार से 3 लाख आबादी है, जो है इनकी व्यवस्था करना चाहिए सरकार को पहले, जब हटाना चाहिए, या तो तोड़ना था तो जब 100, 150, 200 घर बने हुए थे तभी हटा देते कॉलोनी को, क्यों बढ़ने दिया इन दलालों के बीच में, सरकार को सब कुछ पता था, प्रशासन को सब कुछ पता था, लेकिन जो आपकी मेहनत की कमाई है आप भी उसको ऐसी मतलब भूमाफिया को आपने दे दिया, आपने नहीं देखा? देखो सर ऐसा था, भूमाफियाओं की क्या, जब हमने ली थी ना तब मैंने उनसे क्या इसके क्या प्रूफ क्या है, रजिस्ट्री करवाओगे क्या करवाओगे, तो उन्होंने बोला रजिस्ट्री करवाएंगे पहले ये गली पूरी बन जाए, बिक जाएंगे प्लाट, उसके बाद हम सबकी रजिस्ट्री इकट्ठी करवा देंगे, हम गली वाई गली कराते हैं, जब नए नए आए थे तो हमें क्या पता था इनका क्या चल रहा है, जब गली पूरी भर गई तो मैंने उनसे बोला रजिस्ट्री कराओ, तो बोले कि यार रजिस्ट्री वजिस्ट्री कुछ ना है, ऐसे ही है, एक पर्ची दी है इस तौर पर आप ले सकते हो तो रहो और ना अन्यथा चले जाओ। कोई सबूत नहीं दिया जमीन के? जमीन कोई सबूत नहीं दिया, प्रशासन पुलिस वाले पैसे लेने आते थे, वन विभाग वाला डीलर अलग पैसे लेके जाते थे, सारे पैसे लेके जाते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं जमीन का आपके पास में? सबूत कुछ नहीं है, एक पर्ची है छोटी सी वेलफेयर एसोसिएशन की, बस वही पर्ची दी है, बाकी कोई पर्ची। जिन लोगों से आपने प्लॉट लिया था वो कौन लोग हैं? अब हमने जिसे लिया था वो डीलर तो खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, स्वर्ग चले गए? वो स्वर्ग चले गए, अब आगे का हमें पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। कितने हैं घर घर करीब खोरी कॉलोनी में? मेरे हिसाब से 40-50, 56,000 का घर का अभी देखा था, सर्वे हुई थी तो 56,000 घर थे। अच्छा, आबादी कितनी होगी, लोग कितने होंगे टोटल? रहने वाले लोग 56,000 घर थे सर। नहीं, इनमें लोग कितने रहते हैं घरों में? एक घर में कम से कम 4-5 तो हैं ही हैं। 2-3 लाख आबादी? हाँ जी, हमारे 4 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई 10वीं की है, कोई 11वीं का है, यहाँ लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं है, तो ये बेचारे क्या पढ़े गर्मी में, सड़े जा रहे हैं है। सर ऑनलाइन होगी किससे, जब मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो किससे होगी, ये भी तो देखा जाए। सरकार कह रही कल SHO बोल रहे थे हमने पानी के लिए खोल दिया है,
ठीक है, ऊपर से उन टैंकर वालों के लिए मना कर दिया, साले एक भी टैंकर मत लेके जाना। टैंकर वालों से मैंने कहा पानी ले आओ, बोले कि एस एच ओ का लिखवा लो, साइन करवाओ उनसे, लिखो पानी के लिए हमने खोल दिया है, पानी नहीं आ रहा है, पानी सारे टैंकर रोक दिए, बिजली कटवा दी, और क्या है हमें वैसे तड़पा तड़पा के मार। तो आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप? अब कैसे गुजार रहे हैं, मजबूरी है, भर के ला रहे हैं, कोई पहलादपुर से ला रहा है, कोई लालगुआ से ला रहा है, कोई लकड़पुर से ला रहा है, आदमी जेल जाता है वहाँ भी पानी मिलता है, वहाँ भी सुविधा मिलती है। अरे सरकार को मानना था तो सीधी सीधी से करते, ऊपर से बम डालते उन्हें, एकदम ब्लास्ट कर गए इन्हें, सबको मार देते और जगह खाली हो जाती है, और क्या होता, इतना ही होता। अच्छा, तो मोदी सरकार वो ये कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो नारा फर्जी लगता है क्या आपको? इससे ज़्यादा सर क्या होगा फर्जी, वोट तो उन्होंने ले लिया, सीट पर बैठ गए, उसके बाद में क्या नारा ही है उनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां आजकल बेटियों की इज्जत लूटने वाली, जब मेरे घर टूटेंगे तो इज्जत ही लूटेगी उनकी, और क्या होगा यहाँ जंगल में। लेकिन जिनको आप वोट देते हैं वो क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि आपके आसपास के? वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हम पालन करेंगे और हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार अपना कुछ वो तो कर सकती है, पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। पुनर्विचार करा है सरकार ने, 1400 फ्लैट डबुआ कॉलोनी में वहाँ देंगे, और उनको 300 रुपये महीने किराया लगेगा किराएदार के तौर पे, जब चाहेंगे तब हम खाली करा देंगे, क्या सरकार से हमें आसरा है? जो यहाँ की सरकार है खट्टर सरकार, जिनके एरिया में आप रहते हैं, इस पहाड़ी जो आती है, आपने उनसे कुछ दरख्वास्त लगाई? उनने तो सीधा बोल लिया है कि यहाँ हरियाणा के जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसको पुनर्वास की व्यवस्था कराएंगे, बाकी यूपी बिहार बंगाल से इनके बारे में हम विचार करेंगे। क्या सरकार विचार करेगी, वोट लेते समय तो वोट ले लिया कि जी बीजेपी को वोट दो, हम हिंदू हिंदू जितने भी बीजेपी को वोट दो। अच्छा विजय भाई पढ़े लिखे आदमी है, सरकार शहर में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, आपने प्लॉट लिया था, आपको पता नहीं था कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हो रही है? सर मैंने आपको क्या बताया कि उनने ये बोला डीलरों ने, उसी आधार पर सबने ले लिए, अगर धोखाधड़ी वाली बात थी ना तो हम लेते ही क्यों, यहाँ क्यों फेंकते हैं पैसा? यहाँ दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन चल रहा है, चढ़ूनी साहब आए थे आपकी कॉलोनी में, कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन क्या दिया, वो तो यही कह रहे हैं कि यहाँ है ना पहले इनका रहने का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद में इनका घर हटाया जाए। तो कैसी लगी आपको उनकी बात? उनकी बात बढ़िया लगी, बाकी खट्टर जी ने बोल दिया कि 1400 लोगों के जो बीपीएल कार्ड हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, पर उन्हें 300 रुपये महीने किराया लगेगा और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उन्हें खाली करा दिया जाएगा। अच्छा। तो क्या वो एहसान कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर? अच्छा विजय जी, जो आपकी खोरी कॉलोनी है इसके आसपास बड़े बड़ी प्रॉपर्टी हैं, जैसे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, या फार्म हाउस हैं, या बहुत सारे बारात घर भी हैं, क्लब भी हैं, क्या उन पे भी ये नियम लागू होता है सुप्रीम कोर्ट? सर वो तो उनके रिश्तेदार हैं, वो उन पे क्यों नियम लागू करेंगे, वो तो पैसे वाले हैं, उनके मुँह में पैसा ठूंस दिया उनने ले जाके, वो तो उनके रिश्तेदार हैं, वो कैसे तोड़ेंगे उनका? वो तो केवल उन्हें दिख रहा है ये गरीब आदमी है, इन्हें तो जितने मर्जी डंडे मार के भगा दो, इन्हें तो डंडे मारने की बात करेंगे, उठाए गड्डी फेंक देंगे, चल ले और मुंह खोल और पीछे हट। आपकी कॉलोनी में कोई नेता है आपका जो आपको मतलब नेतृत्व करे आपका? अभी सर कोई नहीं है मेरी कॉलोनी में नेता, एक आम आदमी ने सुशील गुप्ता ने बेचारे ने उठाया भी याद तो उठा के उसे अंदर कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, बेचारे चुप हो जाते हैं, वो क्या करें? सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको घर मिलेगा और आम आदमी को सबको जिंदगी सुधरेगी, क्या लग रहा है यहाँ के लोगों का क्या होगा? यहाँ के लोगों का सर कुछ नहीं होने वाला है, सरकार यहाँ मार देने और तब इनके ये कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली है इसमें सदमे से। सर अभी तो सुसाइड कुछ ही लोगों ने करा है, जब उनके ऊपर बिल्डोजर चलेगा उनके घरों पे तब देखना कितने मरे, जैसे आपने देखा था अभी टूटा फूटा पड़ा है बंदा एक, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 9 महीने 10 दिन हो गए, वो बेचारा कहाँ जाएगा, ना चलने लायक है ना कुछ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या करेगा, सुसाइड करेगा बेचारा, बीवी क्या करेगी जब खाने को नहीं होगा उनके लिए? तो